नमस्कार फ्रेंड, हर्षिता ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पैंट की कटिंग, जिसमें हमारी कमर है वो 34 साइज रहेगी। इसके अगले वीडियो में हमने 32 साइज की देख ली थी, अगर वो आपने नहीं देखी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ और जाके आप देख सकते हो वहाँ पर 32 साइज की। और ये वीडियो में हम 34 साइज की देखेंगे। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है जो आपको डिस्प्ले ऊपर दिख गया होएगा। तो हमें इसी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है और इसी मेजरमेंट से हम कटिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हो जाने के बाद हमारा कपड़ा रहेगा, उसको हम इस तरीके से चारों पन्ने, देखिए ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से बिछा देंगे, चारों पन्ने इसके इस तरीके से बिछा देंगे। और जो ये बंद वाला पार्ट है वो हम उस साइड रखेंगे, और जो ये हमारा कन्नी वाला पार्ट है वो हम चारों कन्नी हमारी साइड रख देंगे। और उसके बाद मैं बता दूँ, ये जो हमारा आगे का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो 34 साइज है, तो इसमें जो हमारा पीछे का पार्ट रहेगा वो 3 इंच एक्स्ट्रा बड़ा रहेगा, वो मैं आपको एक बात बता दूँ। और ये जो हमारा आगे का पार्ट है वो 3 इंच नीचे रहेगा और पीछे का पार्ट 3 इंच ऊपर रहेगा, ये इतना हमारा थोड़ा ऊपर रहेगा। ये आप मैं बात बता दूँ, ये हमारा इतना हो जाने के बाद सबसे पहले हम एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये और ये मार्किंग कर देना है। ये हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो लंबाई देखने के लिए सबसे पहले हमें देखिए ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना पड़ेगा, जो हमारा इलास्टिक और हाफ बेल्ट आएगा। ये हमारा इतना हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसका जो आसन है उसका हम नाप करेंगे। तो ये हमारा आसन 34 साइज में 11 इंच पर आएगा। ये हमारा एक मार्किंग हो जाने के बाद दूसरा मार्किंग हम घुटने का लगाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 39 इंच। तो 39 इंच इसकी जो लेंथ है, तो इसमें हमें जो हमारा घुटना लेना पड़ेगा वो हम 19 इंच लेंगे। जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे हमें घुटना भी बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा इतना हो जाने के बाद ये देखिए 39 हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि 39 हमारा यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद ये देखिए जो आप फोल्डिंग में मोड़ोगे उतना एक मार्किंग और लगा देंगे। हमारा एक जो कपड़ा है वो यहाँ पर है। ये इतना हमारा हो जाने के बाद हम ये सभी लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे हमने ये चारों साइड मिला लिया हुआ है। तो अभी ये हमारा हो जाने के बाद अभी हम सबसे पहले इसकी कमर देखेंगे। तो इसकी जो हमारी कमर है वो 34 इंच है। तो ये हमारे चार पन्ने होंगे, तो इसको हम 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा 34 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन 8.5 इंच आएगा। एक मार्किंग हम 8.5 इंच पर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक टक्स लेंगे। तो उसके लिए हम 1.25 इंच का मार्जिंग लगाएंगे। आप जितना टक्स लेते हो उतना आप मार्किंग लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई दबेगा और यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई दबेगा, तो ये हमारा 1 इंच और हो जाएगा। तो हमें जो मार्किंग गिनना है वो हमारा ये है। ये हमारा हो जाने के बाद ये कमर का मार्किंग हमारा हो गया है। अभी हम इसकी थाई देखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हम थाई का मेजरमेंट लेते हैं वो थाई आपकी जितनी रहेगी, जो थाई का नाप लेते हो समझ लीजिए इसमें हमारा 27 इंच है। तो इसमें हम ऑलरेडी लूजिंग दे देते हैं, घुटने में भी हम ऑलरेडी लूजिंग दे के ही नापते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम यहाँ पे कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। तो ये हमारा है वो है हमारा 27 इंच। तो उसको हम हमारा दोनों साइड आएगा तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन आएगा 13.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर 13.5 इंच हमारा आ गया है। ये हमारा हो जाने के बाद एक मार्किंग हम यहाँ लगाएंगे और उसके अंदर 1.5 इंच का एक मार्किंग और लगाएंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच इस तरीके से रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मेजर टेप करेंगे और यहाँ पे इसका बिस्का सेंट्रल ले लेंगे। ये इतना हमारा मार्किंग इसमें हमें करना है। उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे जो हमारा कन्नी वाला पार्ट है वहाँ तक कितना आता है। यहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है तो यहाँ पर भी हम 8 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 8 इंच लिया हुआ है और यहाँ पर भी हम 8 इंच लेंगे। ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ पर भी हम सेम 8 इंच लेंगे और ये हमारा जो हो जाएगा उसके बाद हम ये सभी लाइन को मिलाना है। लेकिन आप याद रहे, आप चाहे तो मिला सकते हो या फिर यहाँ से इस तरीके से भी नाप सकते हो। हम तो यहाँ पे इस तरीके से ही नापते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं जमता तो आप मिला सकते हो। यहाँ पे हमारा ये बक्स आएगा, टक्स का इतना मार्किंग नहीं रहता। ये देखिए इस तरीके से एक टक्स आ जाएगा। उसके बाद आप चाहो
यहाँ पे नाप सकते हो। ये देखिए इस तरीके से सेंट्रल मिला दीजिए, आपको मिलाना रहेगा तो, बाकी इस तरीके से मार्किंग करके भी आप कर सकते हैं। ये इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हम इसका घुटना देखेंगे। तो इसका जो हमारा घुटना था वो हमारा था 19 इंच, तो यहाँ पे 19 इंच का हम आधा करेंगे क्योंकि हमारा दोनों पल्ला है, इसके लिए हम आधा करेंगे। तो 19 इंच का हमारा आधा कितना होएगा, करीबन 9.5 इंच। तो देखिए 9.5 इंच हमारा होएगा, ये समझ लीजिए। उसमें 9.5 में से आधा भाग हमारा यहाँ आना चाहिए और आधा पार्ट हमारा यहाँ आना चाहिए। तो 9.5 का हमारा आधा होएगा करीबन 4.75 इंच। देखिए यहाँ पे 4.75 इंच हमने यहाँ पे रखा, एक मार्किंग हमने यहाँ किया और उसके बाद यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर किया, तो यहाँ पर भी हमारा ये 4.75 इंच आएगा। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम इसकी मोहरी देखेंगे, तो इसकी जो मोहरी थी वो हमारी 12 इंच थी, तो हमारा 12 का आधा होएगा 6 इंच। ये हम 6 इंच में भी आधा इंच यहाँ पर और आधा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा हल्का सा क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको शेप देना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारी शेप हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हमें इसको शेप देना है। आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, जो भी अच्छा सा शेप आए वो आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। ये अभी हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद ये हमारा आगे का मार्किंग हो चुका है। अभी हम सबसे पहले पीछे का मार्किंग भी हमें करना है। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो यहाँ से हमें देखिए ये जो हमारा पार्ट है वहाँ पे हमें ऊपर में करीबन इसमें हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। देखिए हमें यहाँ से कटिंग कर देंगे तो यहाँ से ही हमें इस तरीके से 2.5 इंच बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे करीबन 15.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से भी हम 15.5 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे और इसके साथ इसको स्ट्रेट मिलाएंगे। ये मार्किंग हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसको भी हम फुट्टे को यहाँ पर रखेंगे और जहाँ पे हमारा 2.5 इंच आया था वहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ये इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी समझ लीजिए यहाँ पर हमने कुछ भी लूजिंग नहीं छोड़ा है, तो ये हमारा फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0.5 इंच और यहाँ पर भी 0.5 इंच, ऐसे हम लूजिंग छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लूजिंग नहीं छोड़ना बल्कि पीछे की साइड पर लूजिंग छोड़ना है। तो यहाँ पर आधा और यहाँ पर आधा 1 इंच होता है, वैसे पीछे भी हमें 1 इंच ही होएगा। तो यहाँ से हमें करीबन 1 और 1 2 इंच होता है, तो यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच यहाँ पे हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है। ये देखिए इस तरीके से, और दूसरा हमें यहाँ पूरे में 2 इंच इस तरीके से लूजिंग रखना पड़ेगा और फिर हम इस तरीके से फुट्टे की मदद से शेप देंगे। तो ये हमारा इस तरीके का कुछ मार्किंग आएगा। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक हमारा जॉइंट आएगा, ये हम जॉइंट मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले ये वाला पल्ला इस तरीके से नहीं कटिंग करना, बल्कि हमें सबसे पहले ये जो पीछे वाला पल्ला है वो कटिंग करना है। उसके बाद ये पल्ला हटा देंगे और ये आगे का पार्ट का कटिंग करेंगे। ये हम किस तरीके से करेंगे वो हमने 32 साइज में बता दिया हुआ है, उसका हमें थोड़ा सा वीडियो किस तरीके से हमने कटिंग किया, सभी में हमारा मार्किंग इस तरीके से आएगा, लेकिन हमें कटिंग भी उस स्टाइल से ही, सब हमारा जितनी भी सब बड़ी साइज रहेगी उसमें हमें कटिंग उस तरीके से ही करना है। तो हम इसका भी कटिंग, उसका जो कटिंग का वीडियो है वो हम इसमें थोड़ा क्रॉप करके लगा देंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। यहाँ पे हम कटिंग करके बताएंगे, फिर उसको एडिटिंग करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको ये मार्किंग करके हमने दिखा दिया हुआ है, हमें ऐसे ही कटिंग करना है। तो उसका मैं जो वीडियो है वो थोड़ा यहाँ पर बता दूंगा आपको कि किस तरीके से हमें कटिंग करना है, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसका स्टिचिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, अगर वो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए हमें इस तरीके से मार्किंग करना है, आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। अभी हमें कटिंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये कटिंग करें, फिर ये कटिंग करें और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर दे। ये कटिंग हमारा हो जाने के बाद ये भी हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद पीछे का साइड हम हटा देंगे और उसके बाद हमें ये वाला जो है वो कटिंग करना है आगे का पार्ट।
सबसे पहले हमें बैक साइड कटिंग करना है। यह हमारा हो जाने के बाद अब हम इसे यहां से इस तरीके से कटिंग करेंगे। और यह हमारा हो जाने के बाद यह हम पहले कट लगा देंगे। और यह हमारा हो जाने के बाद ये देखिए, यह हमारा हो जाने के बाद अभी हम ये जो पीछे का पल्ला है उसे हम हटा देंगे और आगे का पल्ला है वो हम कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग किया है हमें उसके हिसाब से वापस से एक बार कटिंग करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम तो इसी तरीके से कटिंग करते हैं। स्टिचिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें साइड पॉकेट लगाया वो भी हमारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। धन्यवाद। ये वीडियो को कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।